खनिया थाना तहसील के मायापुर थाना क्षेत्र के महरूली निवासी एक नाबालिग लड़की 10 दिन पहले घर से बिना बगैर बताए चली गई थी, जिसके बाद परिजनों ने मायापुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। जिसका पता नाबालिग को चला तो वह खुद मायापुर थाना पहुंच गई है। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि घर पर किसी बात को लेकर पापा मम्मी ने उससे डांटा और झगड़ा किया, जिसकी वजह से अपने रिश्ते में लगने वाली बहन के यहाँ चली गई थी और इधर परिजनों ने थाने में मेरी गुमशुदगी दर्ज करा दी। साथ ही नाबालिग ने बताया है कि ना तो मैं किसी के साथ भागी और ना ही मेरे साथ कोई घटना घटी है, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग के परिजनों को थाने में बुलवाया है और बयान दर्ज कर परिजनों को सौंप दिए। सर, एक लड़की गुम हो गई करीब 8-10 दिन पहले, क्या मामला है? मेहरौली निवासी महेश लोधी है, उन्होंने आके 16 तारीख को बताया था कि उनकी लड़की है नाबालिग 16 साल की, बिना बताए घर से चली गई है। तो उनकी रिपोर्ट पर थाने में गुमशुदगी 5/24 और धारा 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उसकी तलाश की, लगातार तलाश की गई, आज वो दस्तयाब हुई है। उससे पूछताछ की, उसके माँ बाप को बुलाया, माँ बाप के सामने उससे पूछताछ की तो उसने बताया उसकी मम्मी ने उसको डांट दिया था, इसलिए वो अपनी बड़ी माँ के यहाँ चली गई थी। बड़ी माँ भाई खाँच कुआ में रोले में, वो अलग कुएँ पर रहती, उनके यहाँ चली गई थी। आज उसको पता चला कि उसकी पिताजी ने रिपोर्ट कर दी, इसलिए वो माँ बाप के साथ इधर आई, दस्तयाब हो गई है। उसने बताया कि उसके साथ ना तो कोई उसको भगा के ले गया था, ना उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हुई है। उसके माँ बाप के सामने उससे पूछताछ की गई और दस्तयाब करके उसके माँ बाप को सपोर्ट कर दिया। खनिया थाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।